हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ दो चार टॉपिक्स हैं, उसके अंदर से एक तो K4 मिसाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। K4 बेसिकली एक सबमरीन लॉन्च मिसाइल है और अरिहंत सबमरीन से इसे लॉन्च किया जाता है, उस अरिहंत के बारे में जानेंगे। एक दो और चीज़ें होंगी उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहला इसके अंदर बात आती है कि DRDO ने सक्सेसफुली जो है टेस्टिंग कर ली है K4 बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसको सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और जिसकी रेंज जो है 3500 किलोमीटर तक की है। 3500 किलोमीटर एक बहुत बड़ी रेंज है। दूसरी इसकी खासियत है कि इसको सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि अंडर वाटर इसकी लॉन्चिंग हो सकती है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, एक तो हमारे पास अब तक की सिर्फ दो ही अंडर वाटर मिसाइल्स हैं जो दोनों ही DRDO ने बनाई हैं, तो K4 उनमें से एक है। दूसरी का नाम है BO5, उसकी रेंज सिर्फ 700 किलोमीटर है और K4 की रेंज जो है 3500 किलोमीटर है, तो लगभग लगभग इससे 5 गुना ज़्यादा उसकी रेंज है। मिसाइल का पहले जो है पहले भी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन वो डेवलपमेंटल ट्रायल थे, तो जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स थे उनको वैलिडेट करने के लिए वो ट्रायल्स वगैरह हुए। ठीक है, और इसको जो है अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है सिर्फ उन्हीं से क्या नाम है लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और अरिहंत क्लास की हमारी इंडिजीनियस बनी हुई जो है सबमरीन्स हैं सारी की सारी, और ये इंडिया को एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अंडर वाटर से भी लॉन्च कर सकता है। INS अरिहंत पहली और एकलौती ऑपरेशनल SSB हैं, जिसके पास अभी K-15 सागर रिका मिसाइल्स उसके ऊपर इक्विप्ड हैं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर के आसपास है। अब उसके अंदर K-4 भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, SSBN होता है इसमें, SS का मतलब होता है समरसीबल, B का बैलिस्टिक मिसाइल और N का मतलब होता है न्यूक्लियर। आगे आएगा ये भी। टेस्ट को जो कंडक्ट किया गया है विशाखापट्टनम कोस्ट जो है उससे किया गया, और एक सबमर्ज्ड एक पानी में डूबा हुआ पंटून उसके ऊपर मिसाइल को क्या नाम है लॉन्च पैड पर रख के लॉन्च किया गया। पंटून ने स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाया एक सबमरीन का। DRDO के अकॉर्डिंग ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास है और इंडिया का जो CEP है बहुत कम है। CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, तो जितनी कम ये CEP की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है किसी भी मिसाइल की। तो बेसिकली CEP जो है किसी भी मिसाइल की एक्यूरेसी को डिटरमाइन करता है, जितना लोअर CEP होगा उतनी एक्यूरेट वो मिसाइल होगी। और हमारी मिसाइल जो है चाइनीज मिसाइल से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बेटर है। उसके बाद SSBN एक US नेवी का क्लासिफिकेशन सिंबल है, जिससे पता लगता है कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन है। ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर से चलती है और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल वो कैरी कर रही है, तो उस क्लासिफिकेशन को कहा जाता है SSBN। यहाँ पे SS का मतलब होता है सबमरीन और समरसीबल, B का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, N का मतलब न्यूक्लियर पावर्ड। अब जानते हैं कि INS अरिहंत क्या। INS अरिहंत हमारी पहली इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने वाली सबमरीन है। इस तरह की तीन और सबमरीन जो है आज की तारीख में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका डिज़ाइन 1990 के अंदर तैयार हुआ था। ठीक है, और वो भी तैयार हुआ था विद द हेल्प ऑफ रशिया, और कहीं ना कहीं इसको जो डेवलपमेंट को जो एक्नॉलेजमेंट मिली थी वो 1998 में मिली थी। और इसका जो डिज़ाइन है लगभग सिमिलर है रशिया की Okhola-1 क्लास सबमरीन से। इसको 2009 में लॉन्च किया गया, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर 2013 में कुछ दिक्कत वगैरह आ गई थी और फाइनली इसको कमीशन किया गया 2016 में। इस वेसल को या फिर इस सबमरीन को बनाया गया है रशिया की हेल्प से अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम। ठीक है, जो सीधा का सीधा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर में आता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। INS अरिहंत का जो वजन है लगभग 6000 टन का है, जिसकी टोटल लेंथ 110 मीटर और ब्रेथ 11 मीटर है। इसको 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर किया जाता है, जिसमें यूरेनियम फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पास 12 सागरिका K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करके चलता है, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर तक है, लेकिन अब इसमें K-4 मिसाइल भी एड ऑन की जा सकती है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। तो अब बेनिफिट क्या होता है जब न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर की मदद से सबमरीन चलाई जाती है, तो इससे क्या होता है उसको सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं होती, फ्यूलिंग का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है लंबे समय तक पानी के नीचे ट्रेवल कर सकती है, उसको ग्रेटर स्टील्थ कैपेबिलिटी यानी कि बिना किसी के नज़र में आए वो काफ़ी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। दूसरा, ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है इंडिया को, यानी कि अगर इंडिया के ऊपर कभी भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक हो जाता है तो वो सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, और ये न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है।
ठीक है, इसके साथ आने से हमें न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी मिल जाती है इंडिया को। इंडिया छठा ऐसा नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर ट्राइड है। न्यूक्लियर ट्राइड का बेसिकली मतलब होता है कि जमीन, आकाश और पानी तीनों से हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने में सक्षम है, वो न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आर्मी के पास आती हैं अग्नि सीरीज है, पृथ्वी सीरीज है, प्रहार मिसाइल है, शौर्य है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस है, सबसोनिक निर्भया मिसाइल्स हैं। इंडियन एयरफोर्स जैगवार एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकते हैं, दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर तक जाके स्ट्राइक कर सकते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आईएफ के पास Su-30M के आई है रफाल एयरक्राफ्ट्स है जो वो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए बने हैं और वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। और इंडियन नेवी के पास जो है ये INS अरिहंत है जिसके पास अब कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर ट्राइड का ही हिस्सा है। तो इसके अंदर हमने K4 मिसाइल जानी, अरिहंत के बारे में जाना और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या फिर न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया के बारे में जाना। सो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एंड फीडबैक डेफिनेटली कमेंट अस, वी विल वर्क अपॉन दैट। टिल नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।